ये कितना डार्क लग रहा है, बट ये एक्चुअल में इतना डार्क नहीं है. ओह माय गॉड, क्या ये निकल गई? इंस्टेंटली फेल्ट कि हाँ, स्किन एकदम क्लियर हो गई. हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वे एवर यू आर. इट्स टाइम फॉर मंथली फेवरेट्स और आज मैं करने वाली हूँ 2 months के एक साथ फेवरेट्स, बिकॉज अगस्त का एज यूजुअल मेरा स्किप हो गया, बिकॉज लास्ट 2 months हैव बीन रियली क्योटिक. इंटरनेशनल ट्रिप थी, उससे पहले उसकी प्रिपरेशन थी, तो मैं सब उसी में बिजी थी और सुबह इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई भी नहीं कर पाई. सो अगस्त में काफ़ी कम प्रोडक्ट्स थे, सो आई थॉट जब सेप्टेम्बर आएगा ना एक साथ ही कर लेंगे. सेप्टेम्बर भी अब एंड ही होने वाला है, सो आई एम डूइंग अ कंबाइंड फेवरेट सो दैट ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको फीचर कर पाऊँ. Lot of non-sponsored recommendation in today's video, so without any further ado, let's get started. Let's start with skincare category first, and sadly it's just skincare category mein zyada products nahi hai because I have been using the same products. Touchwood, ab mere acne kafi kam ho gaye hain, touchwood jai mata di. So abhi main itna zyada wo serums, active based products itne nahi laga rahi. I'm just focusing on fading the marks and scars. So number one favorite jo mera last month ka raha hai wo hai ye wala foaming cream face wash. ये मेरे पास बहुत टाइम से रखा था. मेरे पास पहले बायोडर्मा का काफ़ी पीआर आता था, आई यूज़ टू वर्क विद देम मंथली. तो मेरे पास बहुत सारे बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स हैं और मुझे ये लगा ये मेरी स्किन के लिए नहीं है, बिकॉज ये ड्राई स्किन के लिए होगा या आई डोंट नो, आई थॉट ये मेरी स्किन के लिए तो नहीं बना है. सो मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ था, एंड देन सडनली आई सॉ सम इन्फ्लुएंसर स्टोरी कि ये बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव. सो आई थॉट ज़रा निकालते हैं, ट्राई करते हैं. एंड आई ट्राइड इट एंड आई लव्ड इट. अगस्त के मिड से लेके अब सेप्टेम्बर एंड तक मैं इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ किया. मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी फीचर किया था, दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस. सो इस प्रोडक्ट का नाम है बायोडर्मा पिगमेंट बायो फोमिंग क्रीम. ब्राइटनिंग क्लेंजर है जो एक्सफोलिएट करता है, इवन आउट करता है, स्किन को एल्यूमिनेट करता है बेसिकली. सो बायोडर्मा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लाइक उनका जो ब्लू वाला फेस वॉश आता है, सीबीएम आई थिंक रेंज का आता है, वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना है. ये जो बना है ये बना है सेंसिटिव स्किन के लिए विद डार्क स्पॉट्स. तो इस पर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली अगर आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो आप ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं. एंड ये एक्चुअल में एक एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है. इसमें बहुत जेंटल, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स हैं जो काफ़ी अच्छे स्किन को क्लेंस करते हैं. मतलब जब मैं बाली से ही वापस आई थी ना, आई कुड फील कि मेरी नोज़ के अराउंड इतना ज़्यादा वो गम जमा हुआ है. ऐसा होता है ना कि एक बैक्टीरिया की लेयर होती है पूरे आपके फेस के ऊपर, डस्ट की लेयर होती है, और जब मैंने उसको यूज़ किया आई इंस्टेंटली फेल्ट कि हाँ, स्किन एकदम क्लियर हो गई. मेरे नोज़ के आसपास जितना भी वो व्हाइट हेड छोटे छोटे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे इरिटेटिंग लगते हैं, वो अच्छे से निकल गए. मतलब इससे स्किन काफ़ी अच्छे से क्लेंस हो जाती है. इट्स लाइक अ वेरी 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 जेंटल स्क्रब फॉर एक्ने प्रोन स्किन एज वेल, बिकॉज ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी बना है. कुछ इस तरह से दिखता है, एंड आई डोंट थिंक सो कैमरे पर आ पाएगा, बट इसमें बहुत टाइनी टाइनी ग्रैन्यूल्स हैं. आपको दूर से ऐसे डॉट डॉट जैसे दिखते हैं. इसमें फ्रेग्रेंस है, सैडली बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है इसमें, बट आई कैन से बायोडर्मा जो है वो कहीं ना कहीं डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड ब्रांड है. आई थिंक इसमें जो फ्रेग्रेंस है ना वो इरिटेट नहीं करती. अब हमें वो मिथ से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस है तो वो इरिटेटिंग ही होगी. ऐसा नहीं होता, काफ़ी बार जेंटल फॉर्मुलेशन भी बनती है विद माइल्ड फ्रेग्रेंस. तो इसमें खुशबू है बट वो बिल्कुल भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगी. ऑफकोर्स ये सेंसिटिव स्किन के लिए बना है, सो या डेफिनेटली ट्राई इट. आई थिंक अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और आपको फील होता है कि आपको एक जेंटल एक्सफोलिएशन की जरूरत है और आपको फिजिकल स्क्रब्स नहीं यूज़ करने हार्श वाले, ट्राई दिस वन, यू विल लव इट. माय नेक्स्ट फेवरेट इज दिस सनस्क्रीन जो लिटरली मैंने बाली जाने से एक या दो दिन पहले ऑर्डर करी थी, एंड थैंकफुली रिसीव भी हो गई. मेरे पास कोई भी स्टिक सनस्क्रीन नहीं थी. अभी एक डॉट इन की का जस्ट पीआर आया ना, लाइक पहले आ जाता यार तो ये लेना ना पड़ता, बट नेवर माइंड, ये एक्चुअली बहुत अच्छी है, सो नो रिग्रेट्स. ये है सो ट्रू की SPF 50 डेली स्टिक. इट हैज़ नो व्हाइट कास्ट, नो फ्रेग्रेंस, हाइब्रिड सनस्क्रीन फिल्टर है इसमें. सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक. अगर आपको नहीं पता सनस्क्रीन स्टिक का क्या कंसेप्ट है, वैसे तो जो लोग इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा, बट स्टिल मैं आपको समझा देती हूँ. सो सनस्क्रीन जब री अप्लाई करनी होती है ना, काफ़ी बार जब आप वो ट्यूब वाई लगाते हो, लिक्विड वाई लगाते हो, मैसी हो जाता है. प्लस आप कहीं बाहर हो, आपके हैंड्स इतने सैनिटाइज नहीं है, क्लीन नहीं है, आपने थोड़ा बहुत मेकअप किया हुआ है, तो उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाने में प्रॉब्लम आती है. सो दिस इज मोर लाइक अ रीटच सनस्क्रीन. सो ये वाली स्टिक सनस्क्रीन को कभी भी एज अ प्राइमरी सनस्क्रीन नहीं यूज़ किया जाता. प्राइमरी सनस्क्रीन आपकी वही रहेगी ट्यूब वाली, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है. बट ऑब्वियसली 2 या 3 घंटे बाद जब आपको लगता है आपको री अप्लाई करनी है, तो उस केस में ये काम आती है. सो ये सो ट्रू कि कुछ ऐसे स्टिक फॉर्मुलेशन में आते हैं, यहाँ से रोटेट करोगे ऊपर ऐसे प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगा. एंड आई थिंक मैंने बाली बाली में ये आधी तो कर ही दी होगी, बिकॉज मैंने वहाँ पे कॉन्स्टेंटली इसको यूज़ किया है. मैंने फर्स्ट टाइम में एक्चुअल में बीच पे यूज़ किया था ना, आई लव्ड इट. मेरी पहली स्टिक सनस्क्रीन है, एंड रियली लाइक द एक्सपीरियंस. अब मैं डॉटन की भी ट्राई करूंगी, फिर आपको बताऊंगी, बट फॉर नाउ दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड. बाली में मेरी स्किन को इसी ने बचाया, लाइक यू कैन सी द डिफरेंस. मेरे हाथों को एक बार टैन देखो और फेस का देखो, फेस पे इतनी टैनिंग नहीं हुई, हाथों पे ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हुई है. दो मैंने हाथों पे भी सनस्क्रीन लगाई थी, बट फेस पर मैं कॉन्स्टेंटली इसको रीअप्लाई कर रही थी, तो मेरी जो फेस की टैनिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो गई. प्लस मैंने एक डी टैन पैक भी लगाया था जो मैं नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ.
बट यार दिस इज़ रियली नाइस. इसको अप्लाई करना बहुत ईजी है. थोड़ा सा भी लगा के दिखाती हूँ. लाइक लुक एट दिस. यू जस्ट हैव टू स्वाइप अक्रॉस. एंड रही बात मेकअप की, देखो थोड़ा बहुत तो मेकअप, थोड़ा बहुत तो मेकअप. ओ माई गॉड, क्या ये निकल गई? ओके, मैंने बोला था ना मैंने आधे ज़्यादा यूज़ करी है, लिटरली निकल गई. ओके, दैट वॉज अ लॉन्ग जम्प. ये निकल गई. बट यार आप देख सकते हो मैंने कितनी ज़्यादा यूज़ कर ली. मैंने बाली बाली में इसको आधा कर दिया था, इसलिए थोड़ी निकल भी गई है. क्वाइट अ बैड पैकेजिंग, बट ठीक है, कभी कभी होता है. सो दिस आवर लुक्स लाइक. मैं आपको रीअप्लाई करके दिखा रही थी. सो यू जस्ट हैव टू स्वाइप अक्रॉस एंड थोड़ा बहुत मेकअप ट्रांसफर होता है. लाइक कैन यू सी, हल्का फुल्के आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मेकअप. हल्का फुल्का देखो ट्रांसफर हो गया ही होगा. आपने कुछ ऑयल फ्री मेकअप तो लगाया नहीं होता. सारे जो फाउंडेशन होते हैं वो वैसे भी ट्रांसफर हो ही जाते हैं. सो मेकअप ट्रांसफर होगा. मैं क्या करती थी, कहीं पर भी अगर रेस्टोरेंट में कहीं पर भी थी, मेरे पास टिश्यू पेपर होता था, मैं उसी टाइम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती थी. आई नो उससे प्रोडक्ट थोड़ा सा वेस्ट होता है, बट एटलीस्ट कंटेमिनेट नहीं होता. अगर ये कंटामिनेटेड को मैं ऐसे बंद करके रख दूंगी ना, इसमें बैक्टीरिया बिल्डअप होगा, फिर अगेन मुझे एक्ने होने के चांस है. तो ये जो सनस्क्रीन है ना, इसको आप इमरजेंसी में यूज़ करो. इसको प्राइमरी सनस्क्रीन मत बनाओ, वो ट्यूब वाली सनस्क्रीन ही बेस्ट होती है. बट येस, अगर आप बाहर हो, धूप में हो, जैसे मैं हम बीचेस पर बहुत गए थे, तो उस केस में मुझे अच्छी लगती थी. जस्ट वाइप इट एट द सेम टाइम सो दैट कंटामिनेशन ना हो. बट ओवरऑल दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. टॉकिंग अबाउट टैनिंग, दिस इज अ रियली नाइस डी टैन फेस मास्क. मैंने लिटरली संभाल के रखा था. ये मुझे नायका के पिंक बॉक्स में आया था, और जब मैंने देखा वैसे इसको संभाल के रखती हूँ, कभी कहीं बाहर गए टैनिंग हुई तो ये काम आने वाला है. मैंने बाली से आते ही इसको खोला था एंड आई ट्राइड इट द नेक्स्ट डे. मैं अब तक इसको दो या तीन बार यूज़ कर चुकी हूँ. एक बार अमन भी यूज़ कर चुका है, उसको भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे. सो दिस इज एक्चुअली वेरी इफेक्टिव. ये है O3 का डी टैन पैक ब्राइटनिंग एंड ग्लो बूस्टिंग, कुछ इस तरह से दिखता है. सो इनके भी काफ़ी सारे वेरियंट्स आते हैं. ये स्पेसिफिक वेरियंट मैं बता देती हूँ, ये ब्राइटनिंग एंड ग्लो बूस्टिंग वाला है. डी टैन में आपको बहुत सारे वेरियंट्स मिलेंगे, तो कन्फ्यूज मत होना. ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. नायका पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हो. सो ये व्हाइट कलर का पैक है, आप देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट बीच में डेंट आ ही चुका है. आई यूज इट ऑन माई हैंड्स एज वेल, बिकॉज हाथों की भी जिद्दी टैनिंग नहीं जा रही थी. हाथों की बहुत ज़्यादा मेरी अभी टैनिंग है, सो वो तो अभी जल्दी जाएगी नहीं. बट फॉर नाउ फेस के लिए ये बहुत अच्छा है. हल्का सा एक टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है इसको लगा के. मतलब इसमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग दालचीनी जैसी खुशबू आती है, जैसे किचन में से खुशबू आती है ना, जो मसालों की, इसकी आई डोंट नो स्ट्रेंजली वैसी खुशबू आती है. हल्की सी एक टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, बट ओवरऑल दिस इज रियली सेफ फॉर एक्ने प्रोन स्किन. लेट मी रीड द क्लेम्स, बिकॉज मैंने पहले नहीं पढ़े. द एडवांस अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट फॉर मोस्ट इंस्टेंट ब्राइटनिंग रिजल्ट. ये डी टैन पैक में 8 बेनिफिट्स हैं. हाइड्रेट, नरिश, सूथ, काम, हील, ग्रोज, ब्राइटन, लाइटन्स द स्किन. ओके, लाइटन की बात नहीं करते, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन डी टैन फॉर नाउ. इसके अंदर गुडनेस है मिंट की, यूकलिप्टस ऑयल की. ओके, तो आई थिंक इसमें जो खुशबू है वो यूकलिप्टस ऑयल की है, बिकॉज वो आ रही है हल्की हल्की स्ट्रॉन्ग, वाइल प्रोवाइडिंग इंस्टेंट ब्राइटनिंग इफेक्ट. सो या ओवरऑल दिस इज रियली नाइस. अगर आप वो महंगे डी टैन ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते, मैं लिटरली आते ही ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे और मुझे वो सैलॉन वाली ही फिनिश मिली थी. तो फालतू में बाहर से 5-6 हज़ार का आपको डी टैन फेशियल कराने की जरूरत नहीं है. आप ये फेस वॉश ले लो एंड यू आर गुड टू गो. नेक्स्ट अप इज अ स्पॉट ट्रीटमेंट फॉर एक्ने. और इसकी मुझे इतनी रिक्वेस्ट आती थी ना एक टाइम पे, आई डोंट नो, एक सब्सक्राइबर थी, मुझे अभी भी याद है, बहुत टाइम पहले, वो डेली यही कॉमेंट करती थी कि पिंक फाउंड्री का स्पॉट करेक्टर रिव्यू करो, पिंक फाउंड्री का स्पॉट करेक्टर रिव्यू करो. और उस टाइम मतलब मैं, मुझे पता नहीं था कि अच्छा ये प्रोडक्ट आया है नहीं आया मार्केट में. मैं उस टाइम यूज़ कर रही थी मारियो बेडेस्कू का ड्राइंग लोशन, जो एक्चुअल मतलब ये कहीं ना कहीं आप उसका ड्यूप बोल सकते हो. मारियो बेडेस्कू इंटरनेशनल ब्रांड है, वो नायका पर भी अवेलेबल है. तो मेरे पास उसका ड्राइंग लोशन मेरे अपने घर पर रखा हुआ है, मैं पहले बहुत यूज़ करती थी. सो उसका भी सेम कंसेप्ट है. ऊपर ऐसे लिक्विड होता है जो बेसिकली सल्फर सैल्सिलिक एसिड का एक लिक्विड होता है, नीचे कैलामाइन होती है. इसको आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखना होता है. आप उसको बिल्कुल शेक नहीं करोगे जब तक ऐसे मिक्सड आप नहीं यूज़ कर सकते. इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखना होता है. वंस द लिक्विड इज सेपरेटेड, मतलब नीचे कैलामाइन चला गया, ऊपर वो लिक्विड चला गया, आपको ईयरबड या फिर कोई भी वो जो आती है इसके सन क्यू टिप, उसको डिप करना है, पूरा नीचे तक लेके जाना है, निकालना है, एंड देन यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑन योर एक्ने. लाइक जो व्हाइट वाले जिट्स होते हैं, पस्ट्यूल्स हो गए, स्पेसिफिकली ये वाले जो सोल्यूशन होते हैं ना, ये पस्ट्यूल्स पे ब्यूटिफुली वर्क करते हैं. मैं वो वाला मारियो बेडेस्कू का उसी पे यूज़ करती थी. सो ये मेरे पास रिसेंटली PR में आया था नायका से. सो अभी जब बारिश में वापस आई, मुझे काफ़ी सारे पस्ट्यूल जिट्स थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या ट्रीटमेंट लगाऊं, बिकॉज मेरे पास जेल्स मेरे सारे खत्म हो गए थे. सो मैंने ये निकाला, आई यूज इट एंड इट एक्चुअली वर्क. मतलब ओवरनाइट वो जितने भी एक्ने जिट्स, जो छोटे छोटे बिल्कुल वाइट हेड्स वाले जिट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल चले गए थे. सो ये डेफिनेटली वर्क करता है. अगर आप
कुछ भी एक्ने का ओवरनाइट ट्रीटमेंट देख रहे हो ना, दिस इज रियली नाइस, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. इसके बाद अपने भी क्यू टिप्स आते हैं 3 या 4, जो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेगुलर वाले क्यू टिप हैं तो वो अलग से मत लेना, आप अपने रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो. जस्ट दैट इसको डबल डिप मत करना आपने, अगर वो क्यू टिप अपने स्किन पर लगाती है तो उसको दोबारा इसमें मत डिप करना, ये पूरा लिक्विड जो है वो ख़राब हो जाएगा. एंड प्राइस पॉइंट ये काफ़ी सस्ता है मारियो बेडेस्क्यू का ड्राइंग लोशन आता है 1600 समथिंग का, और ये मैंने अभी जस्ट चेक किया है नायका पे, ये मिल रहा है 439 रुपीज़ का. ये मिनी है बाय द वे, ये 15 ml है, इसका एक बड़ा भी आता है, वो मत लेना, इतना बड़ा सोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर गलती से भी कंटेमिनेट हो गया ना, वो पूरा सोल्यूशन खराब हो जाएगा. इसके अंदर आपको मिलता है सल्फर, सैल्सिलिक एसिड, ट्रिया डर्म एक्शन, बेसिकली इसके इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल सब कुछ लिखे हैं. बेसिकली इसमें जो कुछ भी है ना, वो एक्ने को सुखाने के लिए बहुत अच्छा है. इसको ओवर यूज़ नहीं करना, ये वाले जो सोल्यूशन होते हैं, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक बार बार, आपने एक बार लगाया थोड़ी बार फिर से लगा लिया, आपकी वहाँ पे स्किन जल सकती है, ड्राई हो सकती है, वहाँ पे ऐसे पैचेस बन सकते हैं या एक्ने मार्क बनने का चांस है. सो खाली रात को एक बार लगाओ और सो जाओ और फिर नेक्स्ट डे लगाओ, बट बार बार मत लगाना, इट कैन कॉज सम रिएक्शन एज वेल. सो या, इट्स एक्चुअली नाइस फॉर एक्ने पीपल, दिस इज डेफिनेटली अ थम्स अप. नेक्स्ट अप इज अ बॉडी केयर प्रोडक्ट, और ये मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है, तो आप इसको रीसेंट फेवरेट भी बोल सकते हो. मैंने ज़्यादा नहीं यूज़ किया, बट मैंने जितना अप्लाई किया ना, आई लव्ड इट एंड आई एम रेडी टू से कि एक्चुअल में मेरा एक फेवरेट बन गया है. ये है पामोलिव का बॉडी बटर कोकोनट जॉय वेरियंट एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश. सो मुझे नायका से पूरा एक PR आया था जिसमें पामोलिव के बहुत सारे बॉडी वॉशेज आए थे, और बाकी जितने भी थे ना वो जेल बेस्ड है, जो रेगुलर जेल बेस्ड फेस बॉडी वॉश होते हैं. ये वाला स्पेसिफिकली मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज ये क्रीम बेस्ड एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश है. इसके अंदर आप देख सकते, ये सारे जो ग्रैन्यूल्स बने हुए हैं, दीज आर एक्सफोलिएटिंग ग्रैन्यूल्स, आप देख सकते हो, मैं एक बार ऐसे भी निकाल के दिखाती हूँ. दिस इज वेरी नरिशिंग. अगर आपकी बॉडी टाइप ड्राई है, मतलब आपकी जो बॉडी है थोड़ी सी ड्राई रहती है, आपको ड्राई पैचेस रहते हैं और आपको एक्सफोलिएट भी करनी है, अब क्या होता है, अगर आप रेगुलर स्क्रब्स यूज कर लोगे स्किन में और क्रैक्स आ जाएंगे, स्किन और ड्राई हो जाएगी. बट दिस वन इज अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट, मतलब ये नरिशिंग भी है लेकिन इसमें स्क्रब्स भी है. कैन यू सी, इसके अंदर बहुत सारे स्क्रब्स हैं, दीज आर नॉट एट ऑल हार्श, इसके अंदर बहुत जेंटल स्क्रब्स हैं, आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, मतलब काफ़ी छोटे छोटे जेंटल स्क्रब्स हैं. तो ये जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी कर रहा है और जो बॉडी वॉश है वो फोम भी कर रहा है, तो आप एज अ बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हो. प्लस दिस इज वेरी वेरी नरिशिंग, मतलब इसको एक तो थोड़ा सा रिमूव आपको अच्छे से करना पड़ेगा, अगर आप ठंडा पानी डालोगे ना शायद ये हटेगा नहीं, बिकॉज ये एकदम मिल्की वाला नरिशिंग वाला बॉडी वॉश, आप हल्का सा वार्म वाटर बाथ लोगे ना तभी आप निकाल सकते हो. इसका खाली यही एक कॉन है, बट अदरवाइज दिस इज वेरी नाइस, मतलब इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई, और इफ यू जस्ट वाइप इट ऑफ, बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील होती, ऐसा नहीं लगता कि सूख गई है या फिर क्रैक्स पड़े हुए हैं. ऑफकोर्स आप बाद में मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, बॉडी लोशन अपना कोई, बट फॉर ड्राई स्किन और जो अपकमिंग सीजन आने वाला है विंटर सीजन के लिए स्पेसिफिकली, आई वुड रिकमेंड दिस वन. एंड कोकोनट वेरियंट है ये, या कोकोनट की हल्की हल्की खुशबू है, बट दिस इज वेरी नाइस, लाइक आई फाइंड इट वेरी इनोवेटिव. बॉडी वॉश भी है, स्क्रब भी है और नरिशिंग भी है, सारे काम हो गए एंड आई एम डन. नेक्स्ट वी हैव अ हेयर केयर प्रोडक्ट दैट आई एम लविंग रिसेंटली. वैसे तो मेरा हेयर केयर रूटीन बिल्कुल सेम है, आई थिंक मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर चुकी हूँ. आई एम यूजिंग द सेम ओल्ड रूटीन, ट्रेसमे का शैम्पू यूज़ कर लिया केराटिन वाला, बी ब्लेंड का मैं हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ, कंडीशनर मैं बी ब्लेंड का यूज़ कर रही हूँ, बट उसके अलावा मैंने रिसेंटली ये इंट्रोड्यूस किया अपने हेयर केयर रूटीन में, आई कैन सी अ गुड डिफरेंस, मतलब दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. जब ये लॉन्च हुआ था ना, आई वॉज लाइक यार प्रियंका चोपड़ा ने बहुत हाई रेट्स रख दिए, आई डोंट फाइंड इट वर्थ इट, बट ट्रस्ट मी गर्ल, दिस इज वर्थ एवरी पेनी. ये प्रियंका चोपड़ा की ब्रांड है, by the way if you don't know, the name is Anomaly Unconventional Hair Care. This is how the bottle looks like, and this is their strengthening shampoo jo rejuvenate karta hai, revitalize karta hai aapke hair ko. Ye kehta hai less spend on packaging, more spend on superior formula. Bottle jo hai wo 100% plastic trash se bani hai, so Priyanka Chopra ne kafi zyada sustainability pe focus kiya, to ye sari jo hai ye 100% sustainable bottle hai, basically recycle hui hai. But the shampoo is really nice. The only con of the shampoo is like you can see ekdam pani hai, बिल्कुल लिक्विड जैसा ही शैम्पू है, तो मेक श्योर यूज इट केयरफुली, अदरवाइज सारा ड्रिप ऑफ हो जाएगा इधर उधर और बहुत ज्यादा दुख होगा, बिकॉज ये एक्सपेंसिव है, इतना अफोर्डेबल नहीं है. मैंने जस्ट अभी इसका एग्जैक्ट प्राइस चेक किया है, दिस इज फॉर 820 रुपीज ऑन नायका, 754 का मिल रहा है डिस्काउंट पे. सो 754 के हिसाब से भी ऑब्वियसली थोड़ा सा प्राइस ही है, बिकॉज शैम्पू आजकल मार्केट में बहुत सस्ते वाले भी आते हैं इन बिगर क्वांटिटी, बट आई थिंक इट इज गुड, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने हेयर केयर पे. मुझे काफी लोगों के रिप्लाई भी आए थे जब मैंने इसकी स्टोरी शेयर करी थी कि इट इज एक्चुअली वेरी गुड, हमने भी ट्राई किया, हमें बहुत
अच्छा लगा. सो डेफिनेटली अच्छा ही होगा बिकॉज और भी लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है. इसके अंदर राइस वाटर, आंवला ऑयल, ये स्ट्रेंथनिंग वाला बाय द वे. आई कैन सी दे हैव मोर शैम्पूज. इनके पास एक डल ड्राई हेयर के लिए भी है और एक ऑल हेयर टाइप के लिए भी है. ये पर्टिकुलर जो शैम्पू है मेरे पास, ये स्पेसिफिकली डैमेज हेयर के लिए है. सो अगर आपके बाल डैमेज हो गए, लाइक आपने कोई ट्रीटमेंट करा लिया, हम बहुत ज़्यादा प्रेसिंग करवाते हैं कर्ल्स या कोई भी हीट स्टाइलिंग कराते हैं, काफ़ी बार बाल डैमेज हो जाते हैं, तो उस केस में भी ये हेल्प करता है. सो या इसका कंडीशनर भी है मेरे पास, वो मैं ओकेश बोलूँगी, वो मैं इतना वाओ नहीं बोलूँगी, बट द शैम्पू इज एक्चुअली वेरी नाइस. सो डू गिव इट अ ट्राई. Talking about hair care, I have another hair care favorite. I'm not really sure ये मैंने पहले feature किया है नहीं किया, but I think as far as I remember मैंने बहुत time बाद favorite शुरू किया था और जब से मेरी शादी हुई I think मैंने अभी तक ये feature नहीं किया है favorites में, तो definitely मैं first time ही feature कर रही हूँ. ये मैं अपनी शादी के vanity में ही रखा था. This is the L'Oreal Absolute Repair Weed Germ Oil. This is how it looks like. ये इनकी जो Absolute Repair range है ना, ये उसी का ही serum है. अब थोड़ा सा change हो गया, बहुत पहले इसकी अलग packaging आती थी, अब ये glass वाली packaging आती है. So ये 10-in-1 प्रोफेशनल ऑयल है जो मल्टी बेनिफिट देता है. दिस फॉर नॉर्मल टू सेंसिटाइज हेयर, दिस इज रियली ग्रेट फॉर ड्राई हेयर. लाइक अगर आपकी फ्रिजीनेस बहुत ज़्यादा है, बाल बहुत ज़्यादा सूखे सूखे रहते हैं, आप कितना भी कंडीशनर मास्क लगा लो फिर भी आपके बाल में ड्राइनेस रहती है, डल रहते हैं, उसके लिए सीरम काफ़ी अच्छा है. सो सीरम लगाने का भी एक तरीका होता है, आई थिंक मैं बहुत बार अपनी वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ. सबसे पहले इसको डैम्प हेयर पर लगाना है, बिल्कुल ऐसे वेट नहीं करना कि शैम्पू के बाद जब एक्सट्रीमली ड्राई हो जाएंगे हेयर, पूरे सूख जाएंगे, आप फिर सीरम लगाओगे, नहीं. जब सेमी डैम्प होते हैं ना, हल्के हल्के गीले होते हैं, तब सीरम को लगाया करो. एंड ओनली ऑन द हेयर लेंथ, लाइक ये वाला पोर्शन आप इजिली छोड़ सकते हो, यहाँ पे लगाने की इतनी जरूरत नहीं होती, आपको खाली हेयर लेंथ पे लगाना होता है. आप इसको अपने ब्लो ड्राई करने से पहले भी लगा सकते हो एज अ हीट प्रोटेक्टिंग बेसिक वाला. वी हैव कलर्ड लाइनर्स, जिनके सहारे मैंने अपनी बाली की ट्रिप निकाली है, बिकॉज बीच पर कोई आई शेडो लगा के तो जाएगा नहीं, और रेगुलर लाइनर ना बड़े बोरिंग लगते हैं. सो आई मेड श्योर आई कैरीड कलर्ड लाइनर्स, एंड एंड ऑफ द डे मैं लिटरली डेली वहाँ पे कलर लाइनर्स ही अप्लाई कर रही थी, बिकॉज पूरी लुक इतनी क्वर्की आती है ना. सो फर्स्ट मैंने यूज़ किया था मेरी ब्लू वाली बिकनी के साथ, मैंने ये वाला लाइनर यूज़ किया था, एंड ओ माई गॉड माई इंस्टाग्राम वॉज फ्लडेड, कौन सा लाइनर लगाया, कौन सा लाइनर लगाया, ये कौन सी बिकनी पहनी हुई है. सो वो तो सारी मैंने क्लोविया की पहनी थी. क्लोविया हॉल बाय द वे लाइव जा चुका है, अभी भी अगर आप सोच रहे हो, आपने मेरी स्टोरीज देखी या फिर कोई भी ब्लॉग्स वगैरह में देखा है, मैंने पिंक वाली बिकनी, ब्लू वाली जितनी भी पहनी है वो सारी मैंने क्लोविया से ली है. सो वो आप हॉल जाके देख सकते हो, मैं यहाँ पे कहीं लिंक कर दूंगी. बट जो लाइनर मैंने वो ब्लू वाली बिकनी के साथ लगाया था ना, वो था ये वाला, और इस पर इतने डीएम्स आए थे. अब तो वैसे मैंने रील अपलोड कर दी है, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखना चाहते हो या फिर आप सेव करना चाहते हो फॉर फ्यूचर पर्पस, मैं वो रील भी नीचे लिंक कर दूंगी. मैंने तीनों के वहाँ पे स्वॉच भी डाले हैं, बट मैं यहाँ पे क्विकली दिखा देती हूँ बिकॉज अपनी यूट्यूब ऑडियंस के लिए भी रिव्यू करती हूँ. सो नंबर वन लाइनर इज दिस नायका का ग्लैमर आइज इन द शेड ब्लू हेक्स. सो जो नायका ग्लैमर आइज कलेक्शन है ना, ये बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, एंड दिस इज मोर लाइक अ जेल लाइनर जो आपको ऐसे पेंसिल फॉर्म में मिल रहा है, वेरी वेरी इजी टू कैरी. मैं अच्छे से इसको शार्पन करके लेके गई थी, आप इसके अलावा अपना शार्पनर भी कैरी कर सकते हो. सो ब्लू हेक्स दिखता है कुछ इस तरह से, एकदम चटाक ब्लू कलर है ये, और इससे आईज मतलब इतनी सुंदर लगती है ना, एकदम क्वर्कीनेस आ जाती है पूरे लुक में. आपको कोई भी आई शेडो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल न्यूड लिपस्टिक लगाई, ब्लू कलर का लाइनर लगा लिया, एंड यू आर गुड टू गो. आप हैवी मेकअप भी नहीं करोगे ना, चलेगा. कलर लाइनर इज दिस वन जो मैंने गिरिटी में लगाया था, मैंने वहां पे भी ब्लू वाली पहनी थी, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में स्टाइल अप कर लिया था, तो मैंने उसमें ये वाला आई लाइनर यूज किया था. दिस इज द मार्स वोंट स्मच वोंट बच काजल. इसके अंदर भी काफी सारे कलर्स आते हैं, दिस इज अफोर्डेबल. नायका के कंपैरिजन में ये मार्स के काफी सस्ते हैं, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मुलेशन है, ये भी ऐसे जेल बेस्ड पेंसिल में आता है, और ये मेरे टूट गई है. ओके, जो मैं स्वॉच शूट कर रही थी, मैंने काफी बेरहमी से स्वॉच किया था, सो ये टूट गई है. आई एम नॉट श्योर अप्लाई होगा नहीं होगा, बिकॉज क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है. मेरे पास यहाँ पे शार्पनर नहीं है, मैं आपको स्टिल दिखा देती हूँ. सो ये दिखता है कुछ इस तरह से. इसका शेड नेम है फॉरेस्ट चेस. इसका एक ग्रीनिश कलर का एक टेंट आता है, लाइक ग्रीन टील जो कलर होता है ना, बहुत प्यारा लगता है. अगेन रियली नाइस फॉर बीच लुक्स. एंड माय थर्ड वन विच इज़ लाइक द मोस्ट फेमस वन इन माय बाली लुक्स, ये है पिंक लाइनर. बहुत रेयर ब्रांड्स होती हैं जो पिंक लाइनर बनाती हैं, अदरवाइज आपको ब्लू ग्रीन तो बहुत सारे दिख जाएंगे, पिंक लाइनर आपको बहुत रेयर दिखता है. सो ये है मेरे पास माय ग्लैम का लिट ग्लॉसी लिक्विड आई लाइनर. आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ लिक्विड आई लाइनर्स. मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं, ज़्यादा ईजी लगते हैं अप्लाई करने, और इसका भी ऐसे ब्रश टिप आती है. आई लव ब्रश टिप, मुझे फेल टिप से ज़्यादा ब्रश टिप पसंद है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी बारबी पिंक कलर.
look at this. एकदम I am a Barbie girl वाली eyes हो जाती हैं इसको लगा के. This is really nice. Again for beachy day time brunch look या फिर आप कुर्तीज अगर colorful पहनते हो. अभी festivals भी आ रहे हैं नवरात्रि लोग दिवाली के लिए. कोई भी आपको colorful liner look करनी हो ना ये वाले liners बहुत pretty लगते हैं. Next up I have a highlighter from Swiss Beauty which is like my wedding look must have. अभी मेरे recently friend की भी शादी हुई थी और मैंने तीनों दिन function पे यही वाला highlighter use किया था. So it's more like a blusher plus highlighter जो स्पेसिफिकली इंडियन वेडिंग लुक्स पे अच्छा लगता है. अदरवाइज आप जो वेस्टर्न लुक्स करते हो उसमें मैट वाला ब्लश जाता है, उसमें हाईलाइटर इतना अच्छा नहीं लगता. बट ये वाले थोड़े शिमरी वाले ब्लश हैं. सो ये कुछ इस तरह से आता है. इट्स लाइक अ बेक्ड हाईलाइटर. सो इसमें आपको फोर शेड्स मिलते हैं. यू गेट अ डार्क पिंक, दो लाइट और एक बिल्कुल लाइटर सिल्वरिश टोन का. एंड इग्नोर माई नेल्स इन केस यू आर वॉचिंग माई नेल्स एज वेल. मैंने अभी एक्सटेंशन हटवाए और माई नेल्स आर लाइक क्राइंग. बहुत बुरा हाल हो गया मेरे नेल्स का. वो रिकवरी मोड पे इसलिए मैंने नेल पेंट भी लगाई. लेट देम ब्रीद अ लिटिल. स्वॉच इट. सो मैं आपको अलग अलग भी स्वॉच दिखा देती हूँ. आप इनको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक आपको पूरा ब्रश ऐसे स्वर्ल करना है. यू कैन यूज इट सेपरेटली एज वेल. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. Like, can you see the shine? So, मैं क्या करती हूँ, मैं ऊपर वाला शेड नहीं लेती बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाउड है. थैंक गॉड ये ऊपर की तरफ है, अदरवाइज मिक्स हो जाता है. मैं अपना जो ब्रश है ब्लश वाला जो ब्रश आता है जो काफ़ी लाइक लाइट होता है जो कम प्रोडक्ट पिकअप करता है बेसिकली, उसको ऐसे सॉल्व करती हूँ खाली नीचे नीचे की तरफ. एंड आई जस्ट अप्लाई. मैं यहाँ पे एक स्टोरी भी इंसर्ट कर दूंगी जो मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी डाली थी. ये हाइप स्टोर में काफ़ी सस्ते में अवेलेबल है. इनफैक्ट मेरे हाइप स्टोर पे तो काफ़ी बार डील भी आती रहती है स्विस ब्यूटी पे. 30% ऑफ, 40% ऑफ. सो जस्ट इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, मेक श्योर यू आर, बिकॉज ये जितनी भी डील्स हैं यूट्यूब पर नहीं आती, वो खाली वन डे डील्स होती हैं. तो यूट्यूब पर जब तक आएगी वो डील ही चली जाएगी. सो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा. सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी देयर एज वेल. जब भी डील आई थी मैंने तब भी शेयर किया था. दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. अगर आप कुछ वेडिंग लुक के लिए देख रहे हो आप इसको एज आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो. लाइक अगर आप ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करते या फिर आप मेकअप पर्सन नहीं हो, आपको अननेसेसरी बहुत सारा मेकअप खरीदना नहीं पसंद, आई वुड से ये ले लो. इससे आप कोई भी आई लुक कर सकते हो बिकॉज आप इसको एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो. आप खाली इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो. जस्ट दिस वन आप इसको मिक्स करोगे ब्लश भी बन जाएगा. सो काफ़ी मिक्स वाला प्रोडक्ट है. इसमें कॉन्टोर वाले भी आते हैं जिसमें कॉन्टोर शेड्स भी होते हैं. सो अपने हिसाब से कोई भी पिकअप कर सकते हो. नेक्स्ट अप इज समथिंग जो मैं ड्यूप बोल सकती हूँ क्राइलॉन का सुप्रा कंसीलर का. एंड ट्रस्ट मी जो क्राइलॉन के सुप्रा कंसीलर्स हैं वो अभी भी अनबीटेबल हैं. बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट वही यूज़ करते हैं. बट मैं उसका एक सस्ता ड्यूप ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ. ये है स्टार्स का कंसीलर इन द शेड एम. दिस इज आवर लुक्स लाइक. सो निकलने से पहले मैंने नायका से थोड़े बहुत एसेंशियल ऑर्डर करने थे. सो मैंने जस्ट बाली जाने से एक या दो दिन पहले नायका का ऑर्डर प्लेस किया था और मुझे वहाँ पे दिख गया था. मुझे याद है मैंने किसी की रील्स की किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी थी, उसमें ये वाला यूज़ कर रही थी एंड शी सेड ये बहुत अच्छा है. तो मैंने ऑर्डर करके देख लिया बिकॉज मेरा जो क्राइलॉन का कंसीलर है वो थोड़ा बहुत मुझे अब कंटामिनेटेड लगता है. सो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस. मैंने इसमें शेड ऑर्डर किया है एम. सो मैंने प्राइस चेक करने के लिए अभी नायका खोला था एंड देन आई रियलाइज इसमें काफ़ी सारे और अच्छे शेड्स भी आते हैं. सो ये प्राइस है इसका 350 रुपीज़ विच इज़ नॉट एट ऑल बैड एज कम्पेयर टू हाई एंड कंसीलर्स. 350 में काफ़ी अच्छी फुल कवरेज लुक दे देता है. इसके अलावा आप देख सकते हो इसमें जो मीडियम शेड दिखाया ना वो बहुत डार्क है. मैंने भी यही सोच के लिया था कि एज अ डार्क कलर लेती हूँ करेक्शन हो जाएगी, बट ये एक्चुअली मेरी टोन का कलर निकला विच इज़ लाइक एग्जैक्टली माई स्किन टोन. आप देख सकते हो नायका की स्क्रीन पे ये कितना डार्क लग रहा है, बट ये एक्चुअल में इतना डार्क नहीं है. सो डोंट वरी, नायका के शेड्स पे इतना मत जाया करो. सी एक्चुअल रिव्यूज, नीचे जो लोगों ने रिव्यूज़ करे होते हैं ना वो शेड रेफर किया करो. सो इसमें लाइट भी आता है, मीडियम भी आता है. इसके अलावा इसमें दो और शेड आते हैं विच आर ऑरेंज एंड येलो. एक इसमें ऑरेंज भी आता है. सो अगर आपका बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन, आप थोड़े से वॉर्म डार्किश में आते हो, आप इसका ऑरेंज करेक्टर ले सकते हो फॉर कलर करेक्टिंग बिकॉज मुझे अच्छा लगा. सो आई कैन से फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है. लेकिन अगर आपकी हल्की सी व्हीटिश स्किन टोन है, थोड़ा सा फेयर हो, आपकी ब्राइटर स्किन टोन है और आपको डार्क सर्कल्स के इशू हैं, तो आप इसका येलो कलर ले सकते हो. येलो कलर से बहुत सी कलर करेक्टिंग होगी. मेरे जैसे लोगों को भी ऑरेंज नहीं लेना चाहिए. मुझे अब जाके रियलाइज हुआ मेकअप कोर्स करने के बाद कि जो थोड़े से मीडियम टू फेयर में आते हैं उनको ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज करना चाहिए, वो और ज्यादा फेस को ऑरेंज ऑरेंज कर देता है. हमारे लिए येलो करेक्टर अच्छा होता है. सो फ्यूचर में डेफिनेटली इसका येलो वाला लेने वाली हूँ, बट अभी के लिए ये मीडियम मुझे बहुत अच्छा लगा. आजकल मैं यही यूज कर रही हूँ. नाउडेज आई डोंट फील लाइक यूजिंग फुल कवरेज फाउंडेशन मेकअप लगाना. अब मेरे पास अब मेरा इतना मन नहीं करता फुल कवरेज लुक करने का. थोड़े बहुत मेरे एक्ने मार्क्स हैं, मैं उसी को कंसील कर लेती हूँ. आप अभी भी देख सकते हो मैंने इससे आज भी एक्ने मार्क्स ही कंसील किए हैं. मैंने आज भी कोई फाउंडेशन लगाया, कोई कंसीलर, हाईलाइटर, मतलब जो हाईलाइटिंग कंसीलर होता है वो भी नहीं लगाया. जस्ट दिस पर्टिकुलर वन, इसको आप सेट कर सकते हो बिकॉज ये हल्का सा एक
लाइक नरिशिंग वाला, ये मैट नहीं है, ये जो पैन वाले आते हैं थोड़े से ग्रीसी फील होते हैं, बट अपकमिंग वेदर के हिसाब से या फिर आपका स्किन अगर क्रैक होती है, ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं मेकअप करने के बाद, तो उस हिसाब से फाउंडेशन बहुत अच्छी है, इट्स लाइक वेरी क्रीमी एंड नरिशिंग फॉर स्किन. सो या फॉर द प्राइस पॉइंट दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट, बिफोर यू गाइज आस्क इन द कॉमेंट्स कौन सी लिपस्टिक लगाई है, बिकॉज काफी बार कॉमेंट आता ही आता है, मैं पहले ही बता देती हूँ उसको, मैं फेवरेट्स में भी फीचर कर ही देती हूँ बिकॉज आई एम लविंग दिस शेड. सो ये है लव अर्थ की लिक्विड मूस लिपस्टिक इन द शेड सी ब्रीज. ये पूरी एक किट आती है लव अर्थ की लिक्विड मूस लिपस्टिक 2.0, इनकी एक पहले भी आती थी, ये इन्होंने सेकंड लॉन्च किया है, इसका नाम 2.0 है, कुछ इस तरह से दिखती है. एंड यू गेट दी शेड्स हेयर, मैं यहाँ पे अपना भी जो मैंने स्वॉच किया था मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, मैं ऑलरेडी वैसे इंस्टाग्राम पे ऑफर शेयर कर चुकी हूँ, बट आई नो लॉट ऑफ पीपल जो इंस्टाग्राम पे होते ही नहीं है, जिन्होंने डाला नहीं होता, उनके लिए भी ऑफर मैं बता देती हूँ. अभी मुझे शूट करते हुए आई थिंक एक घंटा तो हो ही चुका है, एंड यू कैन सी अभी भी बहुत अच्छे से इंटैक्ट है, जब इतना ज़्यादा बोलो, मैं बहुत ज़्यादा लिप्स अपने लिख भी करती हूँ, उस हिसाब से भी लिपस्टिक काफ़ी अच्छे से लॉन्ग लास्ट होती है. मैं बाली में भी इनफैक्ट यही वाले शेड्स लेके गई थी, आप देख सकते हो इसके अंदर 3-4 शेड्स मिसिंग है, बिकॉज वो अभी मेरे स्लिंग बैग्स में है, मैंने काफ़ी सारे तो अपने अलग अलग स्लिंग बैग में भी डाले हुए हैं, साइज इनका काफ़ी परफेक्ट है, तो ईजिली स्लिंग बैग में फिट आ जाते हैं. सो यार रियली नाइस आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट एंड फॉर द क्वालिटी, and considering ये काफी ज्यादा long lasting है, these lipsticks are actually very nice. And with this, my monthly favorites are over. इन सबकी details आपको नीचे description box में मिल जाएगी, so please check कर लेना, जो भी discount deal होगी मैं सारी चीजें नीचे description box में डाल दूंगी. इसके अलावा follow me on Instagram for more updates. मैंने आपको maximum चीजें दिखाई हैं, वो मैंने अपने stories में already share कर रखी हैं, deals share कर रखे हैं, because ये deals खाली एक दिन की होती हैं, so ये miss out हो जाती हैं, so make sure you follow me on Instagram. और बाकी चीजें आप मेरे YouTube channel पे भी check out कर सकते हो. Do check out my Clovia हॉल रिसेंटली जो मैंने डाला है, बिकॉज बाली के बाद बहुत सारे DMs आए थे कहाँ से बिकनीज लिए, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो. मेरा मन था उसको फेवरेट्स में फीचर करने का, बट एक सेपरेटली वीडियो बनाई है तो आप वो देख ही सकते हो. आई पर्सनली लव द बिकनीज. इसके अलावा डू वॉच माई शॉर्ट सीरीज एज वेल, मैं डेली वहाँ पे व्लॉग्स डाल रही हूँ, अब मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा रेगुलरली डाल रही हूँ. अगर यूट्यूब के मेस्ड अप एल्गोरिथम की वजह से आपको मेरी शॉर्ट्स नहीं देख रही, सो मेक श्योर यू सर्च माई नेम ऑन यूट्यूब, चेकआउट माई शॉर्ट्स सेक्शन, बहुत सारी मैं शॉर्ट्स वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ. एंड या दैट इज़ फॉर डेज वीडियो.